हो, आपकी बेटी हुई है। ये कहां से आ गई? मैंने तो सोचा था लड़का होगा, बड़ा होकर नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा, मेरा नाम रोशन करेगा, और यहाँ तो ये आ गई। लो पकड़ो इसको। पापा पापा, मुझे भी ऐसे खिलौने चाहिए। मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। पापा पापा, मुझे भी इन बच्चों के जैसे स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं जो मैं तेरी पढ़ाई के लिए खर्च करूं? सोचा था मैं पढ़ लिख के अच्छी ऑफिसर बनूंगी, मुझे नहीं लगता ये मेरा सपना पूरा होगा। पर मुझे पढ़ना है। मैं काम करती हूँ, मैं मोबाइल में देख देख के पढ़ाई कर लूंगी। खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पापा की दवाई के लिए पैसे नहीं है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। माँ,
मेरा एग्जाम क्लियर हो गया है। मैं जाऊँ, मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई है। हाँ बेटा जा। ठीक है माँ। रुक रुक, ये दही खा के जा। पापा पापा, आज मेरा इंटरव्यू था और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया है और मुझे जॉब मिल गई है। ये देखो, मुझे ट्रॉफी भी मिली है। नोप। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तो बेटा बेटा करता रह गया और तुमने तो बेटे से भी अच्छा करके दिखा दिया। मुझे माफ कर दे बेटी। बेटियों को बेटों से कम नहीं समझना चाहिए, बेटियों को भी उतना ही प्यार दो जितना बेटों को देते हो। जो बदलो जमाना बदलेगा। बेटियां बचाओ और घर में खुशियां लाओ। चलो आज बेटियों के लिए एक डायलॉग हो जाए, हमारी छोरियां छोरों से कम न के।